मुंबई मलाड मालोनी गेट नंबर 5 सवेरा टॉकीज के पास रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मचा बड़ा बवाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा की रैली गुजर रही थी। उस दौरान मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, उसके बाद धक्का मुक्की गाली गलौज शुरू हुई। फिर पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख लाठीचार्ज करके माहौल को काबू में किया। आइए देखते हैं तस्वीरें और वीडियो सीधे मलाड मालोनी से। नमस्कार, मैं समीर कुरैसी, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ कॉन्वेंट न्यूज़ इंग्लिश हिंदी। बीजेपी नेताओं ने मालोनी पुलिस स्टेशन का घेराव किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग सुबह के 10 बजने वाले हैं। इस मामले में मालोनी पुलिस स्टेशन ने अभी तक किसी के भी खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया है। आइए सुनते हैं तेजिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के इतिहास में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में शिवशाही सरकार होने के बावजूद आज यहां मालवनी में कहीं ना कहीं जो प्रभु श्री राम के भक्त है, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से आज प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन पर ये शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने चप्पल फेंके, पत्थर फेंके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर। इसका हम खंडन करते, इसकी निंदा करते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पर मारवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाद बैठे रहेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे मुंबई के युवा, पूरे महाराष्ट्र के युवा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में किस तरह का माहौल है मलाड के मालोनी में। मालोनी के अलावा मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में, पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पे हिंसा बवाल हुआ है रामनवमी के शुभ अवसर पे, मगर मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने वातावरण बनाए रखा है, शांति बनाए रखी है। और मेरी भी सभी लोगों से विनम्र विनंती है कि शांति बनाए रखे। इसी के साथ हम अपना न्यूज़ स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय मास्टर। डिवाइस ऑफ कॉन्वेंट न्यूज़, समीर कुरैसी। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।